हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की वैकेंसी आई है, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020, इस संबंध में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। और मैं इसमें आपको सिलेबस और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में जानकारी दूंगा। और मैं आपको बता दूं, जो कैंडिडेट्स दिल्ली पुलिस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है इसके बारे में जानकारी है। डेट्स ऑफ फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की जो डेट है ये 1/8/2020 से 7/9/2020 तक है। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, लास्ट डेट जो है ये 7/9/2020 23:30 तक है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट कर सकते हैं 9/9/2020 तक 23:30 आवर्स तक। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान की लास्ट डेट 11/9/2020 23:30 आवर्स है। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक 14/9/2020 है। डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन होगा ये 27/11/2020 से 14/12/2020 तक होगा, इनके बीच में होगा। तो यहाँ पे मैं आपको इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी है इसके संबंध में जानकारी दे रहा हूँ। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। फिजिकल एंड्यूरेशन एंड मेजरमेंट टेस्ट विल बी शेड्यूल्ड एंड कंडक्टेड बाय द दिल्ली पुलिस इन दिल्ली। फिजिकल एंड्यूरेंस एंड मेजरमेंट इज क्वालिफाइंग इन नेचर। तो इसमें जो पे स्केल है ये पे स्केल लेवल 3 है, 21,700 से 69,100 तक। वैकेंसी जो है इसमें अलग अलग वैकेंसी है। द डिटेल्स ऑफ वैकेंसी, जो वैकेंसी हैं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल की, जो मैं टोटल आपको वैकेंसी यहाँ पे बता देता हूँ, जो टोटल वैकेंसी हैं 5,846, 5,846 वैकेंसी हैं। नेशनलिटी सिटीजनशिप जो है, कैंडिडेट्स मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। जो सिटीजन ऑफ इंडिया है तो पूरे स्टेट्स के जो लोग हैं, सभी स्टेट्स के जो सिटीजन्स हैं वो इसको भर सकते हैं। एज लिमिट है 18 to 25 ईयर्स, 18 से 25 साल की एज लिमिट है। एज ऑन 1/7/2020, 1 जुलाई 2020 तक, कैंडिडेट शुड हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2/7/1995 एंड लेटर देन 1/7/2002, 1 जुलाई 2002 के बाद पैदा होना चाहिए और 2 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2020 के बीच में पैदा हुआ हो। इसमें जो एज रिलैक्सेशन है, SC/ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ डिस्टिंक्ट हु हैव रिप्रेजेंटेड अ स्टेट एट द नेशनल लेवल और द कंट्री एट इंटरनेशनल लेवल इन स्पोर्ट्स ड्यूरिंग प्रिसीडिंग 3 ईयर्स फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसके लिए 5 ईयर्स है। और जो हैं स्पोर्ट्स पर्सन SC/ST 10 ईयर्स, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स ऑफ दिल्ली पुलिस अनरिजर्व अप टू 40 ईयर्स, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स ऑफ दिल्ली पुलिस OBC 43 ईयर्स तक, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स ऑफ दिल्ली पुलिस SC/ST 45 ईयर्स तक, सन्स एंड डॉटर ऑफ सर्विंग रिटायर्ड और डिसीज्ड दिल्ली पुलिस पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस अप टू 29 ईयर्स, एक्स सर्विस मैन यू आर अन EWS 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द डेट ऑफ रेकनोइंग। तो यहाँ पे जानकारी दी गई है। इसमें इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बताई जा रही है। एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है इसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। 10+2 सीनियर सेकेंडरी पास्ड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड, 10+2 होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज रिलैक्सेबल अप टू 11th पास्ड फॉर द, और जो 11वीं पास के लिए होगा वो होगा सन्स डॉटर्स ऑफ सर्विंग रिटायर्ड और डिसीज्ड दिल्ली पुलिस पर्सनल मल्टी टास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस एंड बैंड्समैन बगलर्स माउंटेड कॉन्स्टेबल ड्राइवर्स
डिस्पैच राइडर्स एटसेट्रा ऑफ दिल्ली पुलिस ओनली। तो जो इसमें क्वालिफिकेशन है ये 10+2 होनी चाहिए सीनियर सेकेंडरी। जो सर्टिफिकेट कैटेगरी है इंसेंटिव मिलेगा एनसीसी के लिए, एनसीसी सी सर्टिफिकेट पे 5% ऑफ द मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, एनसीसी बी सर्टिफिकेट पे 3% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, एनसीसी ए सर्टिफिकेट पे 2% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। तो ऑनलाइन अप्लाई करना है ssc.nic.in पे जाके। फीस जो है ये ₹100 है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन तो पूरे इंडिया में इसके सेंटर हैं, जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न रीजन, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, नॉर्दर्न रीजन, दिल्ली, राजस्थान एंड उत्तराखंड, नॉर्थ वेस्टर्न सब रीजन। तो पूरे इंडिया में इसके सेंटर हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बताए तो मैं आपको, द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट PE एंड MT फॉलोड बाय द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द रिकमेंडेड कैंडिडेट्स। मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट्स विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला पब्लिश्ड बाय द कमीशन थ्रू नोटिस नंबर 121/2018 PNPI डेटेड 7/2019 एंड सच नॉर्मलाइज्ड स्कोर विल बी यूज्ड टू डिटरमाइन फाइनल मेरिट एंड कट ऑफ मार्क्स। द डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन इंडिकेटेड इन नोटिस आर टेंटेटिव। एनी चेंज इन द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म्ड टू द कैंडिडेट्स ओनली थ्रू द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस पेपर। वन ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस पेपर होगा कंटेनिंग 100 क्वेश्चन कैरिंग 100 मार्क्स। 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के विद द फॉलोइंग कंपोजिशन। जो इनका कंपोजिशन होगा, सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क, ड्यूरेशन टाइम अलाउड। पार्ट ए में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। जो टाइम टोटल होगा ये 90 मिनट्स का होगा। पार्ट बी में रीजनिंग होगी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। पार्ट सी में न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। पार्ट डी में कंप्यूटर फंडामेंटल्स, MS Excel, MS Word, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WWW एंड वेब ब्राउजर एक्सेट्रा 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर के लिए पेनल्टी होगी। कैंडिडेट्स आर देयरफॉर एडवाइज टू कीप देम दिस इन माइंड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। अब मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। तो यहाँ पे सिलेबस की जानकारी है। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, क्वेश्चन इन दिस कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस। क्वेश्चन विल ऑल्सो बी डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स एंड ऑफ सच मैटर्स ऑफ एवरी डे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एक्सेप्ट एस्पेक्ट एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ एनी एजुकेटेड पर्सन। द टेस्ट विल ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। तो इंडिया और इसके नेबरिंग कंट्रीज पे क्वेश्चन होंगे, स्पेशली पर्टेनिंग टू स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च एक्सेट्रा। दीज क्वेश्चन विल बी सच डैट दे डू नॉट रिक्वायर अ स्पेशल स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन। इसके बाद है रीजनिंग में एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न्स विल बी टेस्टेड थ्रू क्वेश्चन प्रिंसिपली ऑफ नॉन वर्बल टाइप। दिस कंपोनेंट में इंक्लूड क्वेश्चन ऑन एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेज, स्पेशियल विजुअलाइजेशन, स्पेशियल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिकल रीजन्स एंड फिगरल क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग एटसेट्रा। इसके बाद है न्यूमेरिकल एबिलिटी। दिस पार्ट विल इंक्लूड क्वेश्चन ऑन प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू नंबर सिस्टम्स, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल एंड फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क एटसेट्रा। इसके बाद है कंप्यूटर फंडामेंटल्स, MS Excel, MS Word, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WWW एंड वेब ब्राउजर्स एटसेट्रा।
एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स, टेस्ट क्रिएशन, फॉर्मेटिंग द टेस्ट एंड इट्स प्रेजेंटेशन फीचर्स MS Excel, एलिमेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट, एडिटिंग ऑफ सेल्स, फंक्शन एंड फॉर्मूलाज, कम्युनिकेशन बेसिक्स ऑफ ईमेल, सेंडिंग रिसीविंग ऑफ ईमेल्स एंड इट्स रिलेटेड फंक्शंस, इंटरनेट WWW एंड वेब ब्राउजर्स, इंटरनेट सर्विसेज ऑन इंटरनेट URL, HTTP, FTP, वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन्स, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई बैंकिंग। द क्वेश्चन पेपर शैल बी ऑफ मेट्रिकुलेशन लेवल। इसके बाद है फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट, PE and MT। स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट आज एज फॉलोज, इस तरह से होगा ये। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट के लिए स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट ऑफ फॉर मेल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स एज वाइज विल बी एज अंडर एज अप टू 30 years के लिए रेस होगी 16 meter 6 minute में, लॉन्ग जंप 14 feet, हाई जंप 3.39। अबाउट 30 to 40 years 7 minutes 1600 meter रेस, 13 feet लॉन्ग जंप 3 to 6 हाई जंप। अबाउट 40 years 8 minutes 1600 meter 12 feet लॉन्ग जंप 3:3। द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द रेस विल बी एलिजिबल टू अपियर इन लॉन्ग जंप एंड देन हाई जंप। तो जो रेस को क्वालिफाई करेंगे वो लॉन्ग जंप और हाई जंप में ले सकते हैं। द लॉन्ग जंप एंड हाई जंप आर टू बी क्लियर्ड इन एनी वन ऑफ द 3 chances गिवन टू अ कैंडिडेट, देयर शैल बी नो अपील अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन इन रेस, लॉन्ग जंप एंड हाई जंप। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट फॉर मेल कैंडिडेट्स हैं। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट विल बी टेकन ओनली ऑफ दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट आज एज फॉलोज, हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इसमें रिलैक्सेशन भी है जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स में होता है, और चेस्ट है 81 सेंटीमीटर विद मिनिमम ऑफ 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, डेट इज 81 to 85 सेंटीमीटर, और गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार रिलैक्सेशन है। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स एज वाइज विल बी एज अंडर एज अप टू 30 years 8 minute की रेस है 1600 meter, लॉन्ग जंप 10 feet, हाई जंप 3। अबाउट 30 to 40 years 1600 meter की रेस 9 minute, लॉन्ग जंप 9 feet 2:9, हाई जंप। अबाउट 40 years 1600 meter रेस 10 minute, लॉन्ग जंप 8 feet, हाई जंप 2:6। स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट फॉर फीमेल कैंडिडेट, हाइट होनी चाहिए मिनिमम 150 सेंटीमीटर, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अनुसार रिलैक्सेशन होगा। तो यहाँ पे जानकारी दी गई है, दिल्ली पुलिस में जो वैकेंसी आई है इसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट जानकारी बताई है, सिलेबस और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें सैलरी बेसिस और एज के संबंध में, और जो कैंडिडेट्स दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, SSC, बैंक, रेलवे, TET, ग्रुप सी, ग्रुप डी आदि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।